मेडिव्यू कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सेलामपुर सारदा संघ प्रत्येक सदस्य के अनुरोध कर मैच हार साथे साथ ही मंच सामने चले आसबे क्यों बाड़ी जाबे ना सेलामपुर सारदा संघ प्रत्येक सदस्य मैच शेष हार साथे साथे मंच सामने चले आसबे। इस समय यहाँ बैठे तमाम दर्शक खड़े हो गए हैं, लगातार मजा लेते हुए 6 गेंदों में 28 रन। न्यावर की पहली गेंद, गेंद को उड़ा दिया है 6 रन के लिए। और ये लग गया है दत्तू ज्वेलर्स का छक्का। तो ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, तुषार जैसे बल्लेबाज इस पे हर बारी आपको छक्का मारेंगे। अब 5 गेंदों में 22 रन चाहिए। तुषार सामना करने के लिए तैयार, दूर दूर तक फैलाए हुए फील्ड, एक सिप और एक शॉर्ट फाइल लेग। और इस बीच अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद अपील हुई है और आउट, और आउट देने से पहले ही तुषार चले गए हैं। दिस विकेट इज ब्रॉट टू बाय डीसी ज्वेलर्स। तो तुषार अभी अभी कॉट बिहाइंड होकर के मैदान से वापिस जाते हुए, अब 4 गेंदों में 22 रन चाहिए। नया बल्लेबाज आ रहे हैं सोमनाथ। अभी भी मैच पूरा नहीं हुआ। सभी दर्शकों को सेलामपुर सारदा संघ के तरफ से अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदीप गोस्वामी, आप जरा आखिर तक देखिए। इसलिए मैंने बोला था कि आखिर तक देखिए कि अभी भी मैच जिंदा है। और लग गया है दत्तू ज्वेलर्स का छक्का। तो आप 3 गेंदों में 16 रन, 3 गेंदों में 16 रन मत चाहिए यहां से। लीजिए एक और छक्का, बूम बूम छक्का। भैया आपका कैमरा को कुछ नहीं हुआ तो भाग्य ने उनका साथ दिया कि कैमरा नहीं टूटा है। ये क्या मैच चल रहा है। समीरन 2 गेंदों में 10 रन। जरा म्यूजिक प्लीज स्टॉप कीजिए। इस 2 गेंदों के बाद आपके मन चाहिए जितनी भी म्यूजिक बताइए, 2 गेंदों में 10 चाहिए। मेरा एक शब्द कहना आ गया है, जिसकी जिसकी प्रेशर हाई है, जिसकी हार्ट बीट में कमी है, आपसे मेरी विनती है ये मैच आप मत देखिए। अब 2 गेंदों में 10 रन और उधर सोमनाथ तैयार है, जो कि सिर्फ छक्कों के लिए ही जाने जाते हैं। छक्कों की बारिश कर रहे हैं इस समय कुमरी क्रिकेट मैदान पर। तो 2 गेंदों में 10 रन, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये वक्त ही बताएगा। मेडिव्यू कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विनर्स कौन होंगे, कौन ये मेडिव्यू कप 2023 का चैंपियन बनेंगे, यानी चैंपियन ऑफ द चैंपियन कौन बनेगा।
सिर्फ दो गेंदों के बाद ही पता चल जाएगा। जिन श्रोताओं ने हमारे लाइव एक्सक्लूसिव देख रहे हैं उसे भी मेरी दरखास्त है, आप आखिर तक देखिए भैया। अगली गेंद उड़ाइए, जुड़ाइए, बम बम छक्का और छक्कों की बारिश। मेमोरेबल मैच चल रहा है इस समय, इसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस मैच को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक गेंदों में चार रन चाहिए। श्रीपुर ड्रीम इलेवन और जीत के बीच में दरार खड़े कर दी है यहाँ पर सोमनाथ में। एक गेंदों में चार रन। इस समय कहा जाए तो भगवंतपुर का ही पलड़ा भारी है। जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं अंपायर से दरखास्त कर रहा हूँ कि तेजी के साथ आप अंतिम गेंद बुझा दीजिए। अंतिम गेंद, चार रन चाहिए। सोमनाथ तैयार होते हुए, यहाँ पर हजारों दर्शक खड़े हो गए हैं, हम भी खड़े हो गए हैं। एक गेंद चार रन, भगवंतपुर को जीत के लिए चाहिए। लेकिन आखिरकार श्रीपुर ड्रीम इलेवन ने जीत लिया ये मैच को, क्योंकि इस गेंद को चौके में तब्दील नहीं कर पाए, इसे एक रन ही ले पाए।